देश में नए नए एनएच बन रहे हैं, सड़कों की सूरत बदल रही है, लेकिन इस देश में एक ऐसा एनएच है जो दशकों से बदहाल है और अपने तारनहार का बाँट जोड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनएच 80 की। एनएच 80 जो बिहार के मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव होते हुए झारखंड के साहिबगंज से लेकर बंगाल के फरक्का तक है, लेकिन जो कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो भागलपुर के सबौर से कहलगांव पीरपैंती तक की है। यह राजमार्ग पहले राजकीय उच्च पथ था, जिसे 2001 में राष्ट्रीय उच्च पथ का दर्जा मिला। इससे कई इलाके जुड़े हैं। वर्ष 2005-06 से वर्ष 2020-21 तक की बात करें तो एक आरटीआई के अनुसार अरबों करोड़ों रुपए एनएच 80 को सवारने में सरकार के खजाने से उड़ गए, लेकिन हालत अब भी ऐसी है कि सड़क पर चलने वाले जान हथेली पर लेकर चलते हैं, ट्रकों का लंबा जाम लगता है, वाहन गड्ढे में पलट जाते हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो घोघा से कहलगांव तक खूनी गड्ढे बने हैं, जहां लगातार ट्रक और वाहन पलट रहे हैं। बारिश के बाद तो एनएच खेत बन चुका है, ट्रकों के फंसने और गुल्ले टूटने के बाद लगातार जाम से जूझना पड़ता है। इस रास्ते से 30,000 वाहन हर रोज चलते हैं, स्कूल बसें चलती हैं, हर किसी को इसका दंश झेलना पड़ता है। वहीं हर रोज इस एनएच से सफर करने वाले कहलगांव अनुमंडल निवासी नवीन कुमार सरकार के प्रति आग बबूला दिखे। उन्होंने कहा कि उम्मीद नहीं है कि अब यह बनेगा, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, जांच हो तो पता चल जाएगा, सांसद 2 साल में अब क्या कर लेंगे। बारिश के मौसम में इस रास्ते से जाना जान जोखिम में डालने जैसा है। करूंगा इस रोड को जितना जल्दी हो सके आप ऊपर तक पहुंचाइए, क्योंकि इस रोड में जितना परेशानी कहलगांव अनुमंडल के निवासी को हो रहा है, शायद ऑल इंडिया में कहीं किसी को नहीं होता होगा। क्या लगता है बन पाएगा? ये तो बनने का उम्मीद क्या बोलते हैं, हम लोग तो सोच रहे हैं कि अगर बन जाए तो स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा, लेकिन बनने का कोई उम्मीद नहीं है इस रोड का। हर बार वही पीचिसिंग होता है, सिक्का वर्त कर दिया, रिपेयरिंग माल उठा के रख लेता है, जब भ्रष्टाचार तो खुलेआम है ना। इसका इस रोड का कहाँ नहीं गया होगा, कहाँ सोया हुआ है नेता लोग, सांसद से उम्मीद क्या होगा। आधा तो चल गया, टाइम कट गया, अब 1-2 साल बचा हुआ, उसमें अब क्या कर लेगा। कीचड़ से यही बताइए ना, अभी हम एक्सीडेंट हो जाते गाड़ी से, देखिए भाई बैठो ना, घुस गया है रोड में पैर। उम्मीद तो छोड़ दिए हैं, जब होगा सरकार बनाएगी नहीं बनाएगी, अब सरकार का मनमानी चल रहा है तो उसमें आप और हम लोग क्या कर सकते हैं। बारिश में यही सोचिए कि आदमी को जाना, जान को जोखिम में दे के जाना, ये चीज़ संभव नहीं है। आम आदमी रुक जाता है, जो बड़े बड़े आदमी है वो तो ट्रेन से या कुछ से चल जाता है, लेकिन जो नॉर्मल क्लास का आदमी है वो कहाँ है, वो तो भाई इसी रूट से जाएगा। एनएच 80 के किनारे घोघा में ही रहने वाले भागलपुर सांसद अजय मंडल जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनका बयान था कि 90 दिनों में एनएच 80 दुरुस्त होगा, उसके बाद फिर बनने के नाम पर पिचिंग हुआ जो महीने भर में फिर उसी अवस्था में पहुंच गया। अब सांसद कह रहे हैं कि एनएच 80 का काम अगले माह से शुरू हो जाएगा, बरसात में थोड़ी परेशानी होगी लेकिन बरसात के बाद काम तेजी से होगा और एनएच 80 ऐसा बन जाएगा कि 25 साल तक सोचना नहीं पड़ेगा। एनएच 80 का काम जो है, हमें उम्मीद है कि अगले महीना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बरसात को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बरसात के समय में जैसे कि मिट्टी का नहीं मिलना हो जाएगा और पानी के कारण उनका मशीनरी काम नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टर का लेबर काम नहीं कर सकेगा, तो बरसात भर तो काम अब बंद रहेगा, लेकिन एनएचएफटी मेरा चालू रहेगा, फुल मेंटेनेंस में रहेगा। कब तक ये शुरू हो सकेगा, लगभग क्या उम्मीद? हमको लगता है कि बरसात के बाद काम शुरू हो जाएगा, बड़ा स्पीड से शुरू हो जाएगा। कितने की लागत लग रही है इसमें? इसमें 1,000 करोड़ से लगभग अधिक का लागत। क्या उम्मीद करते हैं अब दुरुस्त एनएच मिलेगा भागलपुर वासी को? इतना दुरुस्त मिलेगा कि फिर इस एनएच पर 25 साल तक सोचना नहीं कि इतना मजबूती के साथ बन रहा है। फोर लेन का भी काम चल रहा है आपके रीजन में? फोर लेन का भी काम चल रहा है, उसका काम कितना तेजी से चल रहा है? अब पूरा काम तेजी से चल रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तो लोग फोर लेन का यूज भी कभी कभी कर लेते हैं, लोग जिन्हें लगता है कि उधर से स्पीड से निकलना, तो मिट्टी वाला रास्ता भी इतना सुंदर बना दिया गया कि लोग उससे भी अपना रास्ता तय कर लेते हैं। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत सिंह ने कहा कि एनएच 80 के लिए 2 पैकेज में काम होना है, टेंडर हो चुका है, एजेंसी भी आ चुकी है, मेजर समस्या फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर आ रही है, प्रोसेस चल रहा है, क्लियरेंस के बाद एजेंसी काम करेगी।
एक दूसरा जो हम लोगों का पुराना NH80 है, जो मुंगेर से मिर्जा चौकी तक जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट है, उसमें भी भागलपुर जिले में दो पैकेज में काम होना है। दोनों में टेंडर हो गया, पिछले साल ही हुआ था लेकिन फिर कैंसिल करना पड़ा मिनिस्ट्री को, फिर से टेंडर हुआ है। और जो बाईपास, भागलपुर बाईपास से जो कहलगांव पीरपैंती मिर्जा चौकी तक काम करेगी, वो एजेंसी भी आ गई है। इसमें मेजर समस्या है फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर के, प्रोसेस चल रहा है, स्टेट लेवल से ये आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है जैसा मुझे कार्यपालक अभियंता ने बताया है। इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बाद जो है वो एजेंसी काम शुरू करेगी। एजेंसी के पदाधिकारियों ने भी और कार्यपालक अभियंता ने भी मुझे आश्वस्त किया है, लेकिन हम लोगों ने अनुरोध किया और जो एजेंसी के सीनियर ऑफिसर MD वगैरह आए हुए थे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर NH भी थे, तो हम लोगों ने बताया कि कहलगांव सबौर के बाद से कहलगांव तक रास्ता काफ़ी जर्जर है, उन गड्ढों को भरने की ज़रूरत है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसी सप्ताह से जो है वो उस गड्ढों को भरने का काम शुरू कर देंगे ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो और लोगों को कम से कम जो है वो कष्ट हो। ये हम लोग इंश्योर कराएंगे कि अगले 10 दिन में उन गड्ढों को भर दिया जाए। सर कितने की लागत आएगी? ये अमाउंट आप ले लीजिएगा NH के अभियंता से, लेकिन इसमें ये बड़ी राशि की योजना है। जो NHAI के 4 पैकेज हैं और जो 2 पैकेज में काम भागलपुर जिले में NH एग्जिस्टिंग, NH के स्ट्रेंथनिंग और वाइडनिंग का काम। वहीं भागलपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे ने NH80 में फॉरेस्ट क्लियरेंस के सवाल पर कहा कि फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गया है, इसके कारण काम अवरुद्ध नहीं है, जल्द परेशानी दूर होगी, सारी बाधाएं समाप्त करके नितिन गडकरी जी ने इसका शिलान्यास कर दिया है। तो फॉरेस्ट क्लियरेंस कब तक मिल सकेगा सर? सारा चीज हो गया है, वो फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह उसमें कोई कठिनाई नहीं है, उसके कारण कोई काम अवरुद्ध नहीं है। उसकी जो प्रक्रिया होती है बिहार सरकार कर रही है और बिहार सरकार का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको बात सर, हो गई है। क्या लगता है परेशानी लोगों की दूर होगी? NH80 जो निश्चित रूप में जो परेशानी है अब परेशानी से दूर होगी। इतना बड़ा सड़क जो यहाँ मुंगेर से बांका आपको मोकामा से लेकर के और मिर्जा चौकी तक, ये मिर्जा चौकी तक की सड़क बन रही है और इस सड़क को बनने में अब कोई बाधा नहीं है। सारी बाधाएं समाप्त करके माननीय गडकरी जी ने उस दिन उसका शुभारंभ शिलान्यास वैशाली हाजीपुर में किया, काम भी शुरू हो गया है और हम सब लोग उसमें मौजूद थे, इसलिए उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले दिनों में इसका काफ़ी अच्छे ढंग से कार्यक्रम होगा। बहरहाल आने वाले दिनों में NH80 की सूरत बदलने के साथ साथ सरकार को चाहिए कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री में किन किन लोगों ने डुबकी लगाई है इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि 1 अरब से अधिक निकल चुकी सड़क में कभी सड़क जैसी स्थिति दिखी ही नहीं। भागलपुर से बोलता बिहार के लिए कुणाल शेखर की रिपोर्ट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।